राम कहलू गाओ, राम कहलू गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सख्त लोगों में उसके अजायब का बयान करो। हम अपने सर्व को अपने पाक खुदा के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगे। जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, सारी उस नेमतों बरकतों के लिए जो खुदा तूने हमें दी है, जिनके हम मुस्तहिक नाम से लेकिन खुदा ये तेरा तर्स है, तेरा रहमत है, तेरा फजल है जो हम पर तू करता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की सारी इबादत को खुदा तेरे पास में देते हैं। हमारा गीत गाना बजाना, सालों का बजाना खुदा तुझे पसंद आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो लोग आ चुके हैं खुदा तो उन्हें भूल कर, जो भी रास्ते में खुदा किसी मुश्किल रुकावट परेशानी खुदा उन सब रुकावटों को दूर करने की कुदरत करता है, ताकि तेरे लोग तेरे को मुबारक कहें, तेरी इबादत करें, तेरे कलाम को सीखें, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये दुआ तेरे मुकद्दस जलाली और पवित्र नाम में मांगते हैं। हम खुदा की तारीफ करेंगे और मिलकर गाएंगे, खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है। हम सब मिलकर उसकी तारीफ करेंगे और गाएंगे, खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है। खुदा बंदा तू रहता है।
नए फोन खरीदे, लोगों खरीदे, उसका शुक्र गुजार करें उसकी बेटी के लिए, हमारे कलाम यीशु मसीह के लिए जिसने उस लीव का सफर अदा किया, उसके मार खाने से हम आज निजात पा चुके। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाई एल्डर किशान बैनर से कि वो सामने चीफ बने और दुआ में रहने लगे, उसका शुक्र। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तुति शुक्र, क्योंकि तू भला, तू रहीम वो करीम है जो कहना कर रहे जीमा शक्कत में बनी खुदा है, तेरा शुक्र। अब हम तेरा खास और शुक्रिया अदा करते हैं सबके लिए इस मौका के लिए बात, क्योंकि हम सबको और मुझे अब अभी तकलीफ बख्शी कि हम तेरे घर में आ सके, तेरी प्रस्तुति कर सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके बाप, क्योंकि तू ही इस लाइफ में आ, क्योंकि तू जैसा कोई तू खुदाओं का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह। अब हम शुक्रिया अदा करते हैं बाप कि किसी खुद को सीधा नहीं करते, किसी मुर्दे की इबादत नहीं करते, बल्कि अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जो हर वक्त जिसका ध्यान बाइबल पर लगा रहता है, जो हर वक्त हमारी बात को लिए बानी करता है, जो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है, उनको कबूल करता है, जवाब देता है, तेरा शुक्र। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं एक एक को अब छू, एक एक को अपने बात रूह से भरते हैं बाप, ताकि तेरी प्रस्तुति करे तो दिलो जान अपनी रूह से तेरी प्रस्तुति कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके, तेरा शुक्र। एक एक को बड़ी बरकत अपने बंदा के साथ है, अपने खादिम के साथ है, ये बात जब तेरा गुलाम हम तक पहुंचा है, गुलाम का जिंदगी सौ गुना चलेगी। अब मैं खास खुशी दिया था कि तेरे बेटे के पास शरीफ के उसके पास लहू के लिए जो उसने हमारे खातिर भाग दिया बाप, हम तुझसे बहुत दूर थे बाप, हम तुझे ना जानते थे बाप, अगर बाप ये तेरा फजल हम पे हुआ, ये तेरा हम पे गर्व हुआ कि तूने अपने बेटे को जहान में भेज दिया जिसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, हमारी खातिर अपना लहू भाग दिया ताकि वो रिश्ता जो तुझसे टूट गया था उस रिश्ते को भाग कर सके और हम फिर से तुझे बाप कहते बुला सके। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि तेरा वादा है कि तू दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है बाप, हमें कभी बख्श है बाप, जब तक हम जहान में है हर वक्त हर जगह उठते बैठते जाते सोते चलते फिरते हर वक्त हर जगह तेरी मदद सराई करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, हम फिरते जाए बाप और तू हमें बढ़ता जाए बाप, तेरा शुक्र हो अपने कामों से बाप, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे ताकि लोग हमें देख के कहें कि हम तेरे बेटे हैं, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे मानने वाले हैं, हम बचा दे, तेरा शुक्र है बाप, तू हमारा बचा देता है, तू हमें निजात बची है, तेरा शुक्र है बाप, हम तो भी बच के हम ये निजात पर लेके जा सके बाप, उन तक भी तेरे कलाम को पहुंचाए, उन तक भी तेरी खुशखबरी को पहुंचाए ताकि बाप वो भी हमेशा की जिंदगी के बारिश में बाप, तेरा शुक्र है कि बड़ी बरकत दे वायर के साथ है, हम सब के साथ है, बाकी तमाम की इबादत को मैं तेरे हाथों में सौंप कर बाप, एक एक को बड़ी बरकत दे, मानती हूँ इस मसीह के बहन नाम में। हम कलाम कर रहे थे, फर्स्ट रीडिंग सुनेंगे और मैं दावत दूंगा अपनी बहन किरण बैनर से कि वो एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 9 टू 15 हमारे लिए दावत करें। Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them,
the God of your fathers has sent me to you. And they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. This is the word of the Lord. Amen. Thank you, ma'am. हम इसी रीडिंग को उर्दू में सुनेंगे और मैं दावत दूंगा अपने भाई से शी को कि वो हमारे लिए दावत खुदा के जिंदा पाक नाम से देखें खुदूसी किताब उसका तीन बाब नौ आयत से लेके पंद्रह आयत तक इसमें कुछ यूं लिखा है देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है सो अब आ मैं तुझे फिराउन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बने इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूं जो फिराउन के पास जाऊं और बने इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। उसने उनसे कहा मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इस काम के मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा कि जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है तो मैं आपको क्या बताऊं। खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदा तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। किताब के बाद नाम के पढ़े और सुन जैसे हम सब को हम खुदाओं की तारीफ करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे तेरी सिखता ने गौने गीत के कारण शुक्रिया
मरियम से पैदा हुआ, मसरूर हुआ, मर गया और जन्म हुआ, आधा देर बाद में मर गया, तीसरे दिन गुरुओं से फिर जाना आसमान पर चढ़ गया और खुला कर दिन में रात की घटना से बैठ गया, जहाँ से उस जिंदा हुआ गुरु अधिक करता आगे कर गया, मैं ही मान रहा हूँ गुरु के पर पाठ के लिए किसी असर पर दर्शन की खाद गुणों की माफी जिसमें के जीवित में और हमेशा जिंदगी मेहरबान जिंदा बाप खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। खुदा तू कभी भी हमसे दस्तकदार नहीं होता, कभी भी हमें नहीं छोड़ता। अगर खुदा हम इस वक्त दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क के लिए जिसमें हम रहते हैं और तमाम जगहों के लिए भी, खुदा जहाँ पर बैठे हुए लोग इस वक्त इस इबादत का हिस्सा हैं, उनकी भी जो भी मुश्किल हैं, परेशानियां हैं, खुदावंद तू उनसे वाकिफ है। इस वक्त खुदावंद हम इस सारे फ्यूल क्राइसिस को तेरे सामने रखते हैं, खैर खुदावंद तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। तेरे यीशु जी दुआ करते हैं कि तमाम मसाइल को अपने हाथों में ले। हम अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, उनके तमाम रफ्तार के लिए खुदा दुआ करते हैं उनके साथ हो, इन सारी मुश्किल को दूर कर ताकि तेरे लोग अमन और सलामती के साथ रह सकें। हम परसिक्यूटेड चर्च के लिए दुआ करते हैं कि तेरे लोग जहाँ कहीं भी सताए जा रहे हैं, जो कि कैद में हैं, मुश्किल में हैं, खुदा उनके लिए तेरी कुवत और तेरी बरकत चाहते हैं, ईमान की मजबूती चाहते हैं। ऐसे खुदा हम अपनी कलीसिया के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदा खासतौर पर अपनी बहन सुमन दीदी के लिए, कि खुदा उनके साथ हो, उन्हें कामल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। फिर खुदा हम सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्गों के लिए, मिसेस बरकत के लिए, मिसेस सिंह के लिए, अपनी वजह चांद के लिए, पति के तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि खुदा मुश्किल में है, परेशानी में है, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मैं बेटों बेटियों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनकी तालीम में उनके साथ हो, हर बुरी रात से, बुरे माहौल से, बुरे लोगों से बचा। उनके टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जैसे खुदावंद ये बच्चे को दुकान में पढ़ते हैं, तेरी पहचान, तेरी कुर्बत, तेरे इरफान में बढ़े और तरक्की करें। वो तमाम अजीज जो कि खुदावंदा हैं, जो कि खुदावंद किसी तरह की परेशानी में है, जो अस्पतालों में है, खुदावंद उनके लिए तेरी कुवत चाहते हैं, डॉक्टर नर्सिस के लिए, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, और वो लोग जो आइसोलेशन में हैं, खुदावंद उनके लिए दुआ करता हूँ उनके साथ हो, इसलिए सबको बड़ी बरकत दे। और अगर खुदावंद बाकी वक्त में हमारे साथ होना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं। हम उच्चारण करते थे दूसरी इबादत सुनेंगे, लोग चैप्टर 9 वर्स 67 टू 62 और ध्यान नसीम हमारे लिए ये दुआ करेंगे। लुका उसका 9 बाप 57 आयत से 5 आयत।
1 chapter 9 उसके 57 आज से 62 तक। जब राम जी जगह जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां भी जाए मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के फड़ होते हैं और हवा के परिंदों के खोंचे, मगर इतने आदम के सर ढकने की भी जगह नहीं। फिर उसने उससे दूसरे ने उससे कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाह की खबर फैला। एक और ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों के से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ छल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाह के खुदा के लिए। खुदा उनके प्रतिष्ठान को बड़ा समझना हम सबके लिए बता सकता है। हम गीत गाएंगे, तेरा कलाम जुमाने में आए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। कनेक्शन में गीत नंबर 348 है, 348। Yeah.
सुबह सवेरे स्कूल ना जाने के तुम्हारे प्रिंसिपल से बात क्लास कर
बड़े लविंग, तो वो उनके पास रेडियो रोड होती थी, तो वो सुबह सवेरे ना जब नहीं आना तो उन्होंने घर पे पहुंच जाना, हाँ भी आप स्कूल क्यों नहीं आए जी, मुझे बुखार है, अच्छा चलो गाड़ी में उठा के बैठाना और सीधा उन्हें वहां पे से मेरे स्कूल में क्लिनिक होता था वहां पे लेके जाना था, हमें पता था कागे क्या होगा, शायद आपको एक्सपीरियंस ना हो, पानी की गोली मारनी पड़ती थी, पानी की गोली होती थी जो मलेरिया के लिए देते हैं डॉक्टर के लिए, तो कड़ी पड़ी होती है, तो उन्हें कहना चाहिए मुंह खोलो, तो वो जब गोली सुबह सुबह खाने में सारा दिन जो है ना बुरा होता है ना, तो फिर हम गोली से डरते हुए ये बहाना भी नहीं करते थे कि भी नहीं स्कूल नहीं जाना। Nowadays, maybe you had different excuses और छुट्टी के बड़े बहाने होते हैं, जब मैं आर्मी चैप्टन था तो जनरल अकाउंट में भी था, वहां पर आमतौर पर जो फौजी भाई जो एक्सक्यूज देते थे कि मेरी दादी मार गई है, और दादी को पता कितने दिन हम मारा होता था, मारने के लिए होता था, किसी ने कहने मेरी नानी मार गई, किसी ने कहने मेरी दादी मार गई है, यू नो स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट ओनली इन द सेक्युलर वर्ल्ड बट यू नो स्पिरिचुअल लाइफ, वी आर हैविंग आवर पॉकेट फुल विद एक्सक्यूजेस, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास होते हैं। आई यू सी व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल you are having so many excuses, my tummy is acting, I don't want to go to school, I'm not feeling well, Rehan bhi kabhi dekh le, Rehan is not like that, maybe Rehan is like that, so we are giving so many excuses, kaam pe na jaane ke bahane, Pakistan mein to jab wo mausam acha hota hai na, baarish hoti hai, bade dil ke chale jaate hain na kaam pe, yahan pe baarish hoti hai, main ye kar raha hu, तौर पर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस होती हैं। अभी जो बिल हमने इंकलाब के पाक कलाम से पढ़ा इन द बुक ऑफ एक्सोडस, मूसा को खुदा ने कहा कि दिस इज़ अ लैंड फॉर यू, मैंने अपनी कौम का कहना सुना है, अब मैं चाहता हूं कि तू जा और बनी इसराइल को उस गुलामी से मिस्र से तू रहेगा। There is no doubt that he was very passionate, he was very concerned about the people, those who are under the slavery in Egypt. उसने अपनी कोशिश से, मेहनत से, अपनी ताकत से, उसने ये चाहा कि अपनी कौम को रिहाई दे दे। और एक दफा जब मिस्री और एक जो यहूदी थे, इसराइली थे, वो आपस में झगड़ रहे थे, तो उसने मिस्री को कत्ल करके उसकी लाश उसने छुपा दी, क्योंकि उसके दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी, प्यार था, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम, राम का वो ठहराया वक्त नहीं था, और उसका नतीजा क्या निकला कि उसको फिर 40 साल बियाबान में अपना जो पद मिला था, उसका ससुर जो था उसकी भेड़ बकरी को उसने उनको निर्दाश करनी पड़ी। जब हम खुदाम की नाफरमानी करते हैं, जिस रास्ते पर खुदाना हमें लेके चलना चाहते उस पर हम नहीं जाते, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। आप देखें जो बनी इसराइल थे, दे स्पेंड 40 इयर्स इन दैट विल्डरनेस ड्यू टू देयर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। खुदा ने चाहा था कि वो जाकर तो बियाबान में उसकी इबादत करे, और वो रास्ता जो कि 40 दिन का था, 40 साल में बदल गया। योना को हम देखते हैं कि खुदा ने उसे कहा कि तू नैनवा को जा, वो अगर मेरा हो दूसरी तरफ चला गया, नहीं जी मैंने जाना। एक्सक्यूज क्या था कि खुदा गैर को क्यों जाना चाहता है, नैनवा को क्यों पड़ी, तो वो दूसरी तरफ चला गया। अब उसके लिए खुदा ने ट्रबल रखी हुई थी, उसे मछली के पेट में जाना पड़ा, और वहां पर उसने जो है ना वो 3 दिन की सर्जरी की, उसने 3 दिन उसको मछली के पेट में रहना पड़ा, और वहां पर उसे गुलाम से दुआ भी की। जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम गुलाम से दुआ भी करते हैं, और जब गुलाम ने मूसा को बुलाया, उसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस जो है वो गुलाम के सामने रखे। मैं चाहता एक एक्सक्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उस आप उसको कह सकते हैं, अपॉलॉजी कह सकते हैं, जिन्हें मैं ये नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए, खुदा आपको कभी भी
वो काम करने के लिए नहीं देता जिसके अंदर करने के आपके अंदर जो है ना वो हिम्मत ताकत ना हो और आपके अंदर एबिलिटी ना हो। खुदा को पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। खुदा को आपकी कैपेसिटी का पता है, आपकी एबिलिटी का पता है, ही नोस एवरीथिंग। उसको पता था कि जो मूसा ने 40 साल बियाबान में गुजार लिए हैं एंड ही न्यू ऑल द वेज, इसको पता है नक्शा दार पता है, इसको पता है कौन से पहाड़ से जाना है कौन सी घाटी से जाना है। खुदा ने उसको एक सूबे के मुताबिक उसको वहां रखा और को मालूम था कि ये सब कुछ कर सकता है। मैं जब इस बात को रिलेट करता हूँ अपनी मिनिस्ट्री के साथ तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ व्हेन आई स्पेंड नियरली 15 इयर्स इन पाकिस्तान आर्मी। अच्छा मैं गुजरावाला में आया आर्मी चैप्टन के तौर पर क्योंकि मैंने जो टाइम स्पेंड किया था वो जनरल हेडक्वार्टर में किया था विच इज द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन आर्मी की। तो जब मैं वहां पर आया फिर मुझे पता चला कि व्हाट वाज गॉड्स प्लान, क्योंकि मुझे सारे प्रोटोकॉल का पता था कैसे किसे मिलना है, कैसे मैंने जनरल के पास जाना है, उसका क्या तरीका का है, किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना, किस तरह की डिपार्टमेंट है। गॉड गिव मी दैट नॉलेज इन माय मिनिस्ट्री और फिर उसका ये नतीजा निकलता वाज एबल टू बिल्ड दैट चर्च इन गुजरावाला। तो खुदा को पता होता है, वो पहले से आपको तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, वो आपके ऐसा दौर होता है जिसमें खुदावना आपको गुजार होता है ताकि जब वो काम को खुदावना आपसे लेना चाहता है आपके पास कोई ऐसी जिन्हें मैं नहीं कर सकता। और उसने ये नहीं कहा कि अभी मैं बियाबान के बारे में नहीं जानता, यहाँ पर स्कॉर्पियन है, यहाँ पर झाड़ियां हैं, यहाँ पर पहाड़ है, पत्थर है, नो आई डोंट वांट टू डू दैट। उसके एक्सक्यूज जो थे वो डिफरेंट है। पहली बात तो करता है कि अपनी जो सेल्फ वर्थ है, कहता है कि मैं इस काबिल नहीं, मैं तो किसी नहीं, आई एम नॉट फ्लुएंट, मैं तो क्वालिफाइड नहीं, मैं तो क्वालिफाइड नहीं करता इस काम के लिए, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा। खुदा ने कहा कि ये मुंह, ये कान, ये नाक, ये जुबान किसने बनाई? आई एम द क्रिएटर, व्हाई यू गिव मी दिस एक्सक्यूज कि मुझे मैं नहीं बोल सकता। उसने कहा देख तेरा भैया है वो तेरी मदद करेगा, तेरा एक्सक्यूज खत्म ले चट्टी उठा के। तो बहुत दफा हमें हम ये सोचते हैं, हमें यकीन नहीं होता कि हम ये काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन खुदा को पता होता है। खुदा ने उसको कहा कि मैं तेरे साथ हूं, फिक्र मत कर, गॉड गिव हिम दैट एश्योरेंस कि आई बी विद यू इन योर कैपेसिटी। दूसरा जो एक्सक्यूज था वो बड़ा अजीब था कि मैं नहीं जानता कि आप कौन है, मैं भी तो काफी बात हूं, मुझे अपने नाम को बताएं, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, अपने आप को जरा बताइए कि आप कौन है जो मुझे भेज रहे हैं। ये भी उसका जेन्युइन एक्सक्यूज था क्योंकि उसने जो 40 साल थे वो महल में गुजारे थे। यू कैन एग्री विद मी कि एक शख्स जो है उसने बेगन एनवायरमेंट में मिस्र में उसने 40 साल गुजारे, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट वहां पर, तो महल के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई खुदा के बारे में जान सके, फिर वो तो पैराउंड का बेटा था, दिस नो डाउट इज द लाइफ फॉर देयर एट दैट टाइम। और लेकिन उसको जो पर्सनल रिलेशनशिप था खुदा के साथ, ही वाज फुली अवेयर अबाउट अदर पीपल दोज वर लिविंग अराउंड हियर अबाउट इज़राइलाइट्स, लेकिन उसका खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। कहता कि मैं क्या बताऊंगा फिरौन को, वो तो बड़ा सत्ता आदमी है, आपको पता था। उसने कहा कि मैं जो हूं सो एक इनकम्प्लीट रेवलेशन था, मैं मुझे हूं सो तू जाओ उसको ये कहना। और कंप्लीट रेवलेशन जो है वो हम न्यू टेस्टमेंट में देख रहे थे, खुदा ने कहा कि मैं राह और हक की जिंदगी हूं, मैं सच वहां हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं। तो वो जो एक अधूरा मुकाशवा था वो नए एहदनामा में पूरा हुआ। तो ही वॉज आस्किंग फॉर द नेम कि आप बताइए कि मैं उनको क्या कहूंगा जाकर। तो खुदा ने उसका ये एक्सक्यूज भी खत्म कर दिया। थर्ड जो उसका एक्सक्यूज था क्योंकि वो भी थोड़ा जेन्युइन था कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। सो दिस वाज अ फियर ऑफ रिजेक्शन कि नहीं वो मेरी बात नहीं मानेगा। एंड वी आर हैविंग सच फियर्स सो मेनी टाइम्स,
कहीं मैं कैसे जाऊं, कौन मेरी बात सुनेगा, लोग भी क्या आके सुनते भी हैं, बड़ी मुश्किल है। हम इस ये बात को सुनते हैं, हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते। खुदा जो है वो हमारे इस खौफ को दूर करता है, वो हमें हिकमत और दानिश बख्शता है, वो हमें अश्योरेंस देता है कि नहीं आप जाओ मैं आपके साथ हूं, आप इस बात के लिए फिक्रमंद ना हो। चौथा विषय ऐसी कि अगर मौत हो रही मेरे पास कोई बैजल भी लगे हुए, मैं कोई जनरल थोड़ा हूं, कोई मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूं, प्रेजिडेंट हूं, मैं क्या जाकर उसको कहूंगा भाई उनको मैं कौन हूं, ठीक है ये तो बताऊंगा कि मुझे खुदा ने भेजा है, वो तो बिलीव ही नहीं करता आपने, तो मेरी भी तो पोजिशन होनी चाहिए, मैं वहां पर जाकर क्या बोलूंगा। विच कैपेसिटी एंड अथॉरिटी आई विल टेक योर मैसेज, खुदा का लाठीज नहीं करता और सांभर भी उसका विषय होगा। नो यू गॉट अथॉरिटी ओवर ऑल दीज थिंग्स। याद रखे जब खुदाई की किताब में हम देखते खुदा ने तमाम कायनात को बनाया, जानवरों को बनाया और सब मृगों को बनाया, खुदा ने आदम से क्या कहा कि आज इनके नाम पर आप गिविंग यू दिस अथॉरिटी, इट वॉज आई वॉज क्रिएटेड बट आई एम गिविंग यू अथॉरिटी, गिव देम नेम, इनको नाम। तो किसी के हाथ देवी पैदा होता है तो जो बड़ा ही दिल के करीब हो, शख्स चाहे ग्रैंड पा हो, ग्रैंड माम हो, कोई अंकल हो, उसको आप कहते हैं आप उसका नाम रखें, आपके दिल में उस शख्स के लिए इज्जत होती है, प्यार होता है, आप उसको ये इख्तियार दे देते हैं बीवी पेरेंट्स के जी आप उसको नाम दें। तो खुदा ने आदम को ये कहा कि तू इसके नाम रख, और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने उसको ये इख्तियार दिया कि ये सांप ये सारी चीजें जो कि शायद उनके लिए बड़ी ही खौफनाक चीज होगी क्योंकि वो तो बियाबान में रहता था, खुदा ने कहा कि नाउ आई एम गिविंग यू दिस अथॉरिटी, तो सांपों और बिच्छुओं को कुचल सकते हो, तो जब तुम फिरौन के सामने जाओगे तो वो इनसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, इनसे ज्यादा जहरीला नहीं है, इस सांप से वो ज्यादा जहरीला नहीं है। अगर तुम इस पर कंट्रोल कर सकते हो तो तुम फिरौन का भी सामना कर सकोगे। दैट वॉज wonderful, wonderful illustration. You will be very effective when you will go there. आप इस बात के लिए परेशान ना हो। तो यीशु मसीह जब शागिर्दों को चुन रहे थे, उनको बुला रहे थे, जो तो लार्ज क्राउड दो दो पल जीसस क्राइस्ट, और बहुत सारे लोग बड़े एक्साइटेड होकर भी कहते हैं, हम भी आपके पीछे चलेंगे, हम भी तेरे पीछे चलना चाहते हैं, हमें भी इज्जत चाहिए, हमें भी इख्तियार चाहिए, बिकॉज योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइस्ट वॉज के ही इज अ मसीहा एंड ही विल सेट अप हिज किंगडम, वो अपनी बादशाह को कायम करेगा एंड ही विल रूल विद। अगर आप इसके सियाक और सबाक को देखें तो उनमें ये बहस भी होती थी कि भी बड़ा कौन है, और फिर ये भी सिफारिश की थी शागिर्दों की तरफ से कि हमें एक बाएं और एक दाएं तरफ जो है वो बैठाया जाए, तो योना की मां ने ये कहा कि जब अपने बादशाह में आए तो मेरे बच्चों को दाएं और बाएं बैठाना। सो दे वर लुकिंग सच अथॉरिटी एंड पावर। जब हम यीशु के पीछे जाएंगे तो हमें भी कोई ना कोई पोजिशन तो मिल ही जाएगी, लेकिन गुलाम यीशु मसीह उनके सामने एक कंडीशन रखते हैं, डिमांड वॉज देयर डिसाइपलशिप की कि आओ मैं तुम्हें आलमगीर बनाऊंगा, मेरे पीछे आओ। He was inviting them, but they failed to understand the true cost of that discipleship. शागिर्दियत की जो कीमत थी, जो नेचर थी उसकी, उसको वो नहीं समझते थे कि शागिर्द बनना, खुदा के पीछे चलना, उसके लिए जो discipleship की जो प्राइस है, रियलिटी उसकी सफरिंग है, पेन है, उसको वो नहीं समझते, because it was an act of a spiritual maturity. और हमें अक्सर में जो ये लैक ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ये पहचान बजाय हो सकता है मेरे पास बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन जो मैच्योरिटी है रूहानी तौर पर हम मैच्योर नहीं है, और खुदा के जो शागिर्द थे जो उसके पीछे आना चाहते थे उनकी भी यही प्रॉब्लम थी, वो उस कीमत को उस कमिटमेंट को जो कर रहे थे उसको नहीं समझ रहे। अब यहां पर शागिर्दों के नाम तो नहीं दिए गए जो कि खुदा के पीछे आना चाहते थे, जो वृद्धा ने तलाब किया खुदा के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस लूका का जीवी बयान। यहां पर नामे बाब में हम देखते हैं कि लिखा है कि जब वो राह में चलते जाते तो किसी ने से कहा जहां कहीं जाए
मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसका नाम भी यहां पर लिया गया अननेम्ड डिसाइपल, उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूं। और खुदावंद ने यीशु से कहा रोमियो के भाट होते हैं हवा के प्रेरकों के खौफ से मगर इतने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। तो खुदा भी समझा रहे थे कि देयर इज नो कंफर्ट, अगर तू मुझे फॉलो करना चाहता है, अगर मेरे पीछे आना चाहता है, तो फिर ये मत सोच कि मसीह जो है वो फूलों की स्टेज है। अगर आपने मेरे पीछे आना है तो फिर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो इब्ने आदम है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसके पास सर धरने की जगह नहीं, वो जल्दी में पैदा हुआ। और अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, तो आपको ये कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। अब आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि जो एक और शख्स है उसको कहते हैं, उसने दूसरे ने कहा मेरे पीछे चल, उसने कहा एक गुलाम मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन कर। अब जो थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको देखना चाहिए। अब ये जो था बेसिकली जो ग्रीक जो ट्रांसलेशन है उसमें क्या कि वो बाप भी मरा नहीं था, करीब मर और ये सोचा था कि जो उसकी इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी है, ये बाप मर गया किसी और को दे गया तो फिर क्या होगा, लेट मी गो एंड सी माय डेथ फर्स्ट, इससे पहले उसको दफन कर दिया जाए और मैं जरा उससे अपना हिस्सा तो ले लू। ग्रीक पहले जाकर मैं साफ तौर पर कर लू फिर आऊंगा। और ये चैलेंज है, हम अपनी जिंदगी में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम खुदा के पीछे चलने की ख्वाहिश चलते हैं, क्योंकि ये ख्वाहिश थी, पता नहीं कहां कहां से लोग उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन कहते कि नहीं, कोई कहता कि मुझे तरह जाकर को अपने बाप को जो है दफन कर देने दे, और फिर एक और ने कहा मैं तेरे पीछे चलूंगा लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ, पहले घर से निकला हुआ है, अब डबल माइंडेड है कि अच्छा जाकर बात तो कर लू मैं जरा ताबे फरमा दी। खुदा जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई चाहता है, हम लीडर ऑफ कर अच्छा सोचेंगे देखेंगे, देखते पाशा किसी दिन आएंगे जब टाइम मिलेगा, देखिए मेरी कहने के खुदा जरा लाजी हो जाए तो फिर मैं आऊंगा जो मिनिस्ट्री में काम करेंगे जी जरा थोड़े से भी। एक शख्स कहने लगा कि मेरे पास जो है ना जब मिलियंस होंगे तो फिर मैं खुदा की खिदमत करूंगा, कल जी मेरा काम बन गया पैसा, मैं कह रही मेरा बेटा जो बड़ा जबरदस्त फुटबॉलर बन गया तो अब लॉन्ग टर्म प्लान देखो कहता जी वो अब फुटबॉल खेलेगा तो मिलियन कमाएगा तो फिर मैं जो है मिनिस्ट्री का काम करूंगा। और हुआ क्या उसके बेटे की काम जो है मुझे चोट लगी और वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। उस वक्त जो है हमारे पास बड़े बड़े एक्सक्यूजेस, बारिश हो अब एक्सक्यूज, धूप निकले तब एक्सक्यूज, चार पैसे आ जाए तब एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना जो है फुल विद एक्सक्यूजेस, बड़े बहाने हमारे पास, दाम पास ना है। आज मैं सोच रहा था मैं कल भी काम हो गया, लोगों ने कहना पैसा पेट्रोल ही को नहीं आते, बहाने बना देना चलो आएंगे फोन शाम बस बड़ी चाली से बस टैंकी चेक की थी पेट्रोल ही को नहीं। कल मैं दूसरे में था तो मेरे फोन आने शुरू हुए, बस पेट्रोल बहुत थोड़ा है, चलो घर तक तो चले जाओगे ना पेट्रोल पंप से। तो प्रॉब्लम्स कभी भी आपके पास सोचेंगे खुदा के पीछे चलने के लिए हालात कभी भी साथ कर देंगे, जब से कलीसिया कायम हुई है आप देखते कभी भी आपको किसी शख्स के लिए भी हालात साथ करते मिलेंगे कभी भी, और ना कभी बल्कि और वर्ष होते जाएंगे। हमें बहुत से चीजें जो है ना वो खुदा के पास आने से होती है, सबसे बड़ी बात है वो गिल्टी कॉन्शियस, हम इस सोच पड़े रहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं, मैं घर पे ठीक हूं, ये बहुत बड़ा मसला है। कॉस्ट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, हमें इसकी कीमत अदा करनी है। अगर हम इसी बात से मूसा सोचता था कि मैं जाऊंगा पता नहीं वो मारे ना दे बोले पता नहीं ना कर, मैंने नहीं जाना भी किसी और को भेज, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे मेरे पास क्या अबिलिटी है, मैंने कौन से मतलब स्टार लगाए, मैं कोई जनरल नहीं कुछ नहीं, क्या सिक्योरिटी है क्या गारंटी है
कि अगर मैं ये काम करूंगा तो खुदा खुद मेरे साथ। खुदा नहीं चाहता है कि एक कौम इंस्टेंट उसको जवाब दे, जैसे खुदा ने पतरस को और दूसरे चागिरों को जो कि मछलियां पकड़ रहे थे उसने कहा मैं तुम्हें आलमगीर बनाऊंगा। कलाम कहता है कि देयर एंड देन दे लेफ्ट देयर नेट्स, दे लेफ्ट देयर बोट एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग हिम। मती को उसने कहा कहां बैठा होता है, मती कहां बैठा होता है, साइड पार्क में मसूले वाली चौकी पे काम कर रहा था बेचारा, मसूले रखा दैट वाज सोर्स ऑफ इनकम। खुदा ने कुछ वही चल में पीछा बिकॉज इज अ गुड माइंड शॉट ऑफ द पीछे आ रहा था। अगर आप डबल माइंडेड हैं, सोचते रहेंगे अच्छा ये करें ना करें जाए तो फ्री भी लेकिन बार बार कोई बदल नहीं पड़े है। कोई आ गया था मैं नहीं आ सकता तो एक्सक्यूज अगर आप देते रहेंगे ना इफ यू लिव इन ग्रीड फिर आप खुदा के पीछे नहीं जा सकते। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कहते दिल सब चीजों ज्यादा इलाहाबाद बात है। खुदा ये चाहता कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा हमको मौका दें कि वो हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की खिदमत कर सकें। खुदा मिला करता है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी और खुदा आज भी ये मिला करता है मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत। जब प्रॉब्लम होती है तो फिर हम कहते हैं भाई साहब बस आज ही का दिन है इसके बाद जो है ना भाई साहब का दिन नहीं चढ़ना तो ये काम होना चाहिए बस दुआ करेंगे ही। और आज आप अपने के माहौल पर नजर रखना सिर्फ इस चर्च की बात नहीं है यू कैन सी द चर्च इज एज बस गोइंग ऑन फुटबॉल है हमारे पास कार रूट सेल है ऐसे कर रहे हैं दूसरों का धंधा अपने घर ले जाओ पैसे खर्च कर रहे हैं दीगर चीजों में बच्चों को लेके जा रहे हैं जी आज हम जा रहे हैं इंटरटेनमेंट है जी बच्चों को कुछ कर रहे हैं क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो अगर आप एक्सक्यूज देते रहेंगे तो फिर आप कभी भी खुदा के साथ नहीं चल पाएंगे। खुदा मुकम्मल सुपुर्दगी चाहता है खुदा मुकम्मल तौर पर ये चाहता है कि हम उसका हाथ थाम लें खुदा का हाथ पकड़ लें खुदा ना पकड़ देगा। आइए दुआ मांगे खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा हमें हिम्मत ताकत दे ताकि हम एक मन की सोच के साथ बल्कि मस्बत सोच के साथ खुदा के पीछे आए। एक अमीर शख्स जिसके अंदर भी ये ख्वाहिश थी कि खुदा मेरे पीछे चलना चाहते खुदा ने अपना सारा माल स्वाद गरीबों बांट दे तुझे आसमान पर फैलाने खुदा ने वादा भी किया तुझे आसमान पर फैलाने ठीक है उसका छुपा कर चला गया क्योंकि बहुत ज्यादा उसका दिल जो है वो उसकी पोजेशन जो थी उसके लिए वो प्रेफरेंस था हमारे लिए प्रेफरेंस क्या है। आइए खुदा से दरख्वास्त करें खुदा ने तौफीक दे क्या हम हर वक्त और हर जगह खुदा को अवदर रखें दरख्वास्त में रशी सब से उस सामने नमूना ठहरा ताकि खुदा हमेशा
तेरे नक्शे कदम पर चलने के लिए अपने आप को तैयार रखे, क्योंकि तू अपने कलाम में फरमाता है कि जो मुझसे प्यार नहीं करता वो चलता हुआ चलता फिरता मुर्दा है। हम जानते हैं कि हम जिस्मानी हैं, जिसम रखते हुए इस दुनिया में रहते हैं, बार बार गलतियां खताएं करते हैं, लेकिन तू फिर भी हमें मुआफ करता है, क्योंकि तू मुआफ करने में कादर और कुदरत वाला खुदा है। तू खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। ये सुना थी तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ और ताइश करते हैं कि तू शिकस्ता दिलों को तसली देने वाला खुदा है, तू कैदियों को आजाद करने वाला खुदा है, तू असीरों को रिहाई देने वाला खुदा है। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ और ताइश करते हैं, सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। खुदा तेरे बंदा के लिए, तेरे खालिक के लिए मिन्नत करते हैं। उनके साथ उनकी सारी पत्नी जिस्मानी जिंदगी को लहू के सिला से तो हमारे लिए स्लीपर बाया, उससे चूक कर पार कर सकता। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुम्हारा वफादार मेहरबान और जिंदा खुदा है, जो कभी सोता नहीं, कभी रुझलाता नहीं, जिसको कभी नींद नहीं आती। परंतु हर वक्त हम बात निगाह रखता है, हमारे चलने फिरने से उठने बैठने से वाकफ रहता है, तुम्हारी जरूरियात को जानता है, तुम्हारे हितों गुर्दों से वाकफ है। ये सुना थी तेरा शुक्र करते हैं कि तू अल्फा ओमेगा है, ला हक पर जिंदगी है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार तुझे बख्शा गया है। सब आइंदा वक्त में तुम्हारे साथ हो, हमें अपनी पाक पनाह में ले और अपनी पाक मर्जी के मुताबिक सलामत जिंदगी गुजारने की बड़ी भारी तौफीक बख्शना था। बस ले कि हम हमेशा तेरी सलीब को मद्देनजर रखते हुए और खुदावंद उसको अपने सामने रखते हुए खुदावंद अपने गुनाहों का इकराव करते हुए तेरी कुर्बत में, तेरी नजदीकी में, तेरी वफादारी में रह कर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। तेरा शुक्र होता, तेरे नाम की तारीफ और ताइश करते, तेरे नाम की ज्यादा कार करते। खुदा हाजिर जमात के साथ आज की हमारी सारी कष्ट सारी इबादत सारी बंदगी को अपने हुजूर में गफूर की तरह कबूल करना खुदा। आज भी इस कलाम के वजह से हम सबको बड़ी बरकत देना, इससे सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम। आमीन। नेक्स्ट संडे हार्वेस्ट सर्विस है, 3 अक्टूबर को पाठशाली होगी और हार्वेस्ट सर्विस है 2 बजे, सुबह 7:30 बजे इंग्लिश में बस होगी और 2 बजे उर्दू हिंदी में। ड्यू टू कोरोना प्रॉब्लम आप जो वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं इस तरह की चीजें हैं आपको फोन चाहिए, जो फूड के चीज में ना रहें, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग होम हैं जो ऐसे ओल्ड हाउसेज हैं वो नहीं उनको एक्सेप्ट कर रहे, तो आप जो है अपने गिफ्ट हैं वो हरिया चार ग्राम को आप ला सकते हैं, तो आप एक अपने सेपरेट जो हार्वेस्ट के जो गिफ्ट हैं वो आप लेकर आइएगा। तो नेक्स्ट जो संडे है 3 अक्टूबर को उसमें हम इस सर्विस को कंडक्ट करेंगे और फिर भी हार्वेस्ट जो डिनर है वो भी होगा और वन डिश हम सब जो है बना के लाएंगे और शेयर करेंगे ताकि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें। तो 2 बजे ये नेक्स्ट संडे 3 अक्टूबर को ये बात होगी, तो आप सब खास करके आप जरूर आएँ और इसके बाद इस सब में अपने गिफ्ट को आप लेकर आइएगा। सो दिव्य टू ऑफरिंग नेक्स्ट संडे वन फॉर द रेगुलर जो ऑफरिंग होगी, फिर दूसरी जो है वो हार्वेस्ट की ऑफरिंग जो है होगी। तो आइए हम राम के नाम को जलाल दें और ਗੀਤ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 111 ਗੌ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌ ਸਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਗੌਰ ਸਲਾਮ।
Yeah.
सुबह कोशिश किया करें कि जो बाइबल स्टडी है जरूर आप अगर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की बाइबल स्टडी होती है बहुत जरूरी है कि आप खुदा का पाक कलाम सीखें और आप देखें कि एक बहुत बड़ी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मीडिया जो है अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं होता तो उसके बाद भी रिकॉर्डिंग को भी आप देख सकते हैं और आप खुदा का पाक कलाम को सीख सकते हैं। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें करिए खुदा तो कितना महान है, तो कितना मेहरबान है। हम तेरी मेहरबानी के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे तरस के लिए, तेरी परवरदिगारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सच में जय खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम कायनात को सेर आसूदा करता है। तमाम दुनिया के खजाने तेरे हैं, सोना तेरा है, चांदी तेरी है, तमाम माल दौलत तेरा ही है। खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिए में से ये हदिया गुजराना है। इनकी ख्वाहिशात हैं, इनकी तमन्नाएं हैं, इनकी शुक्रगुजारियां हैं, खुदा तेरे कबूल करना और ये हदिया तेरी बादशाह की वसत और जलाल के लिए इस्तेमाल हो। इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो, इनके घर में कभी भी किसी चीज की भी कमी ना आने पाए। तेरा आसमान हमेशा हमेशा इन पर खुला रहे। आई कदूस जिंदा पाक खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं औलाद जैसी नेमत के लिए। तेरा शुक्र अदा करते हैं गुजरे एक एक पल के लिए जिसमें खुदाओं को संभाला और आइंदा के लिए खुदाओं तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुवत चाहते हैं, तेरे पेरेंट्स के लिए, भाइयों के लिए खुदाओं तेरी बरकत चाहते हैं। हम दीगर तमाम बच्चों को तेरे तख्त के सामने लाते हैं, सबको बड़ी बरकत दे, हर एक को संभाल और बाकी रुक में तुम्हारे साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदा आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा बच्चे करेगा और अब हमारे मसीह का फजल खुदा आपकी मोहब्बत पाप की रफाकत और शक्ल आपसे लेकर हमेशा आज जमात के साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू।